गाय तो आप लोग तो कहते ना कि सब प्राइस दूंगा, देख लो प्राइस। यहाँ थोड़ी सेटिंग थी भाई हमारी, तो रजिस्ट्रेशन मेडिकल सब यहाँ हैंड टू हैंड हो गया फ्री में ही। हम तो 250 रुपये काट के लगते हैं ना फीस, वो लगी है। अमरनाथ यात्रा कल सुबह चालू करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम कारगिल से आगे दरास रुके थे, जहाँ हमारी एंट्री नहीं थी, विलियन की एंट्री बंद है वॉर मेमोरियल में। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से तुम्हारा जोजिला पास सोनमार्ग की तरफ कश्मीर। वहाँ देखते हैं वहाँ कहाँ स्टे करें, क्या आपको दिखाएं और रास्ता भी दिखाते हैं आपको। आप लोग लद्दाख ट्राई कर रहे हों तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। करते हैं स्टार्ट। तो अब यहाँ से निकलते हैं, बोल शंकर भगवान की। चलो, ये हमारा होटल था। अब तक की इस रूट की सबसे प्यारी वैली कारगिल ही पड़ी भाई। देखो कितनी सुंदर है, मतलब पीछे से यहाँ तक दरास वगैरह बहुत सुंदर रोड है। श्रीनगर 149, सोनमार्ग 63, बाल्टल 47। दरास पहुंच चुके हैं दरास टाउन में, और मेडिकल स्टोर पे भेजा है हमारे विक्की भाई को, थोड़ा सा चीरा कांटे का कुछ काम किया उन्हें। कारगिल को बाय बाय कर दिया है भाई, अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी। और घुसते इतने प्यारे नजारे, और ये दरिया बह रहा है, दरिया जो जीवा टनल जो सोनमार्ग से मैंने पहले भी लोगों में दिखाई है, मतलब अपने जब मैं जनवरी और कश्मीर आया था वो यहाँ आके निकलेगी। देखो नीचे, मतलब आपको जो जिला पास जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अटल टनल जैसे कई 100 किलोमीटर बचा देती है ना, ऐसे ये भी बचाते करेगी। और ये अगर चालू हो गई तो ले आप 12 महीने आ सकते हो, कोई ये नहीं कि रास्ता बंद हो गया और खुल गया। बहुत जोरों से काम चल रहा है। भाई पूरे रूट में थोड़ा सा रास्ता जो जिला पास के लिए खराब मिला है, बाकी सब ओके है। अब यहाँ भी थोड़ा ठीक हो गया, इंटरलॉक टाइल आ गई, नहीं तो पीछे कच्चा ही था पूरा। घुमरी पहुंच गए हैं भाई, जोजिला वार मेमोरियल सामने बना हुआ, शिव जी का मंदिर है। देखो पहले नाश्ता कर लें फिर चलेंगे वहाँ। बीआरओ वाले काम कर रहे हैं, इन्हें नमकीन बिस्कुट जो हमारे बचे रहते वो देने गए हैं, वो मतलब पैक थे सील पैक वो दे रहे हैं। जोजिला पास से निकल तो गए लेकिन यहाँ के रोड बड़े बेकार है भाई, काम ही चल रहा है अभी। जब टनल बन जाएगी तब सुकून मिलेगा भाई। 1.5-2 घंटे दुखी हो गए जोजिला पास वाले रोड पर, ट्रक ही ट्रक। अब थोड़ा ठीक आया है, और मेरे ख्याल से ये सामने आपको शो हो रहा है ना, ये बालटाल है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा चालू होती है। अभी वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा। ये देखिए सारे कैंप वगैरह अमरनाथ यात्रा के लिए ही है। सेम डे भाई, देखो ऐसा जाम लगता है ट्रकों का, इतना गंदा जाम है भाई। अमरनाथ यात्रा जहाँ चालू होती है वहाँ पहुँच गए हैं, भंडारे चल रहे हैं बड़े बड़े। यहाँ से भाई हेलीकॉप्टर उठ रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। भाई आज सुबह तो कुछ नहीं खाया, लंगर खाएंगे, वो भी हमारे अमरनाथ बाबा का। भंडारा। अब भाई हेलीपैड से बालटाल की तरफ जा रहे हैं 10 किलोमीटर। कैसे बात हुई है, अगर वो चीज हो पाई तो आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है जल्दी।
सामने बालटाल बेस कैंप है। अच्छा गाइस, आप लोगों से कहा था ना कि सरप्राइज दूंगा, देख लो सरप्राइज। यहाँ थोड़ी सेटिंग थी भाई हमारी, तो रजिस्ट्रेशन मेडिकल सब यहाँ हैंड टू हैंड हो गया फ्री में ही। हम 250 रुपये काट के लगते हैं ना फीस, वो लगी है। और अमरनाथ यात्रा कल सुबह चालू करेंगे। प्लेटफॉर्म हर हर महादेव, बोले बाबा बुला रहे थे बाबा बर्फानी, इसके पास फोन आया था बाबा का, हर हर महादेव। जल्दी आना तत्काल में, फोन आया तत्काल में, आओ बेटा ऊपर। नीचे से कैसे जा रहे हो? हर हर महादेव। मैं जा रहा हूँ बर्फानी गुफा में, चलो चलते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया भंडारे लगे हुए हैं, ढोकले, देसी घी की मूर्तियाँ, सब चीज। इस रूट पे आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये देखो पॉपकॉर्न खाओ, गोलगप्पे पियेंगे, चकलो। हमारी गाड़ियों में लेने जा रहे हैं भंडारे की तरफ। पहुंच गए हैं हसनपुर व गजरौला अमरोहा उत्तर प्रदेश। नाश्ता आ गया हमारा, अब आए हम अपने कैंप में। कैंप क्या भंडारा है, तो जानकारी यही है, मेंबर है हमारे चाचा इसमें, तो यही रुके हुए हैं। आपको बता दूं RFID कैसे बनेगा, अगर आप यहाँ तत्काल बना जाते हैं तो डॉक्टरी लगेगी, आपकी जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो यहाँ हैंड टू हैंड बन जाता है। दूसरी चीज, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो हों और आधार कार्ड हो ओरिजिनल, तो वही थोड़ा बहुत घूमना फिरना पड़ता है, फिर बन जाता है वो, इतने ज़्यादा भागे दौड़ी नहीं है। बाकी अब मिलते हैं आपसे कल, जब आपको गुफा के दर्शन करेंगे, ठीक है? जब तक के लिए बाय बाय।